हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीना मार्बल इंडस्ट्रीज़, और बीना मार्बल इंडस्ट्रीज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें लेटेस्ट मार्बल के वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ जैन, स्वागत है आपका बीना मार्बल इंडस्ट्रीज़ के इस यूट्यूब चैनल में। फर्स्टली स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। इस पैंडेमिक के चक्कर में आप राजस्थान ना आए, इस मई के मंथ में तो खास तौर से ना आए, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और पैसा ही कमाना हमारे लिए मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सेफ रहे, हेल्दी रहे, सिक्योर रहे और इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अगर मार्बल परचेस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मार्बल परचेस कर सकते हैं। अभी कोरोना के चक्कर में काफ़ी लोग आ नहीं पाते और लॉकडाउन भी काफ़ी जगह लग चुका है, तो राजस्थान आना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा आपके लिए। तो आप ऑनलाइन परचेस कर लेंगे तो भी आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा और मार्बल आपके घर तक आराम से पहुँच जाएगा। आज का मेरा वीडियो होने वाला है राजनगर के पत्थर और मकराना के पत्थर में क्या डिफरेंस होता है, और राजनगर का पत्थर क्यों हमें नहीं लगाना चाहिए, क्या नुकसान है, कैसे चीटिंग की जाती है, कैसे फिलिंग की जाती है, कैसे उसके ऊपर मेकअप करके उसको बेचा जाता है, और जो मकराना का ओरिजिनल पत्थर है वो उसके फ़ायदे क्या है और वो क्यों ख़राब नहीं होता, राजनगर का पत्थर क्यों ख़राब हो जाता है, ये सारे पॉइंट्स मैं उसमें लेने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है राजनगर का वो पत्थर जिसके बारे में बता रहा था आपको। इस माल की ये पहचान है कि इस माल के अंदर आयरन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये ग्रीननेस जो दिख रही है आपको, ये कंप्लीट ग्रीन जो दिख रहा है, ये कंप्लीट लोहा है। ये इसमें ये क्रैक्स वगैरह भी थोड़े ज़्यादा आते हैं, ये कंप्लीट लोहा है। लोहे से क्या फ़र्क पड़ता है, लोहे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान है इसका। सबसे मेजर नुकसान तो इसका जॉइंट पेन बहुत जल्दी होता है आपको। बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब करती है, जब आप नंगे पैर चलते हो तो बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, जिससे जॉइंट पेन, बुढ़ापा जल्दी आता है। दूसरी बात, माल का बुढ़ापा तो आता ही है। लोहे के ऊपर जितना आप पोचा लगाओगे, जितना पानी रगड़ोगे, उतना ये जंग छोड़ेगा। जंग छोड़ने का मतलब ये है कि ये पीला हो रहा है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका क्रिस्टल जो होता है वो कभी भी फाइन नहीं आता। राजनगर का आप 40 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का पत्थर ले लीजिए, हालांकि 150 वाली वो क्वालिटी होती नहीं है। 150 लोग बोलते हैं कि ये 150 का है, ये 100 का है, ये 80 का है, वो अपने मर्ज़ी से बताते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उसके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है कि जिससे उसको नापा जा सके कि ये वास्तव में 150 रुपये की क्वालिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला नुकसान, आयरन बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा नुकसान, लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा नुकसान, इसका क्रिस्टल आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से, इधर आइए। ये जो आपके आपको चमकते हुए दिख रहे हीरे की तरह, डायमंड की तरह, ये इसका क्रिस्टल है। क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा मोटा आता है। अभी इसको मैं रगड़ूंगा तो ये क्रिस्टल निकलने लग जाएगा इसका। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसे सीमेंट होती है ना, सीमेंट, आपने सीमेंट का एक सीमेंट की एक दीवार देखी होगी, वहाँ थोड़ा सा नाखून से, अपने नाखून से कुचरोगे उसको, रगड़ोगे तो वो उसका दाना निकल जाएगा, और जहाँ से एक बार दाना निकल गया फिर वहाँ से धीरे धीरे निकलता 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 एक गड्ढा बन जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान मार्बल के अंदर भी होता है, मार्बल में, उस मार्बल में होता है जो मार्बल कच्चा आता है, जिसका क्रिस्टल थोड़ा ज़्यादा मोटा आता है। जैसे मकराना का माल है, उसका क्रिस्टल बिल्कुल भी मोटा नहीं आता, एकदम फाइन क्रिस्टल आता है। और ये जो राजनगर का पत्थर है, जिसको लोग कंपैरिजन करते हैं मकराना से, जो डुप्लीकेट ऑफ मकराना बोला जाता है, मकराना का डुप्लीकेट, जिसको लोग सस्ता देकर खरीद लेते हैं कि यार मकराना का माल मुझे 50 रुपये में मिल रहा है, यार 80 रुपये में मिल रहा है, यार अल्बेटा का माल मुझे 100 रुपये में मिल रहा है, वो ओरिजिनल मकराना नहीं मिलता, वो आपको ये वाला माल दिया जाता है मकराना बोलकर, आपके साथ चीटिंग की जाती है। तो आज मेरा मकसद यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा नए टाइप का वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि राजनगर का एक्चुअल पत्थर होता क्या है और मकराना का एक्चुअल पत्थर होता क्या है, क्या डिफरेंस रहता है, कैसे पहचान की जाती है। मकराना का जो पत्थर है उसमें से 100% में से 98% पत्थर ऐसा आता है जिसके अंदर ग्रीन स्पॉट्स नहीं आते। 2% में ग्रीन स्पॉट आ सकते हैं, 98% में ग्रीन स्पॉट नहीं आते। राजनगर का पत्थर ऐसा है जिसके अंदर 75% ग्रीन स्पॉट ही मिलेगा आपको पत्थर के अंदर, और 25% बिना ग्रीन स्पॉट वाला मिल जाएगा। लेकिन बिना ग्रीन स्पॉट वाला पत्थर भी, जैसे ये पूरा पीस है तो पूरे पीस में आपको यहाँ पे एक हल्का सा ग्रीन स्पॉट, नीचे स्पॉट, नीचे स्पॉट, ऐसा पत्थर मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरा बिना ग्रीन स्पॉट वाला है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा है। खैर, ये आप देख रहे हो इसका कलर, सबसे मेजर चीज़, कलर काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है, क्योंकि जैसा कि ये मुझे लग रहा है कि ये 3 से 4 महीने से ये स्लेब यहाँ रखी हुई है, बिकी नहीं है, जिसकी वजह से इसका कलर पूरा डल हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, धूप से इसका कलर ख़राब होता है, घर को इतना ज़्यादा गर्म करती है कि आपका घर का एटमॉस्फेयर, अगर बाहर का टेम्परेचर 38 है तो घर का टेम्परेचर 40 हो जाएगा, घर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट्स, आयरन कंटेंट्स ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर। अब जैसे ये स्लेब आप देख रहे हो, ये भी राजनगर की है, इसका कलर देखिए आप, आई थी तब वाइट होगी,
लेकिन अभी कलर इसका ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मेल ही मेल लगा हुआ हो इसके ऊपर, बहुत गंदी क्वालिटी लगती है। और इसी के कंपेरिजन में अगर मकराना को देखें हम, तो ये टाइल लाना एक बार, हेलो ये टाइल देना। ये है मकराना, फाइन क्रिस्टल, जबरदस्त वाइटनेस। इसको आप 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 500 साल तक भी रख लोगे तो भी कलर इसका यही रहने वाला है, जैसे कि ताजमहल है। ये पत्थर ताजमहल को बनाने में यूज़ हुआ था, और इसी माइन में से लाइनिंग वाला पत्थर भी निकलता है मकराना का, वाइट भी निकलता है, ब्राउन भी निकलता है, पिंक भी निकलता है। लेकिन उस माल की ये पहचान होती है कि उस माल के अंदर 98% कैल्शियम आता है, आयरन तो बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए वो कभी ख़राब नहीं होता। और ये जो राजनगर का पत्थर है इसमें केवल आयरन आता है, कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसका कलर आप देख रहे हो, इसकी सूरत आप देख रहे हो, कितना बदसूरत लग रहा है ये, कितना बेकार लग रहा है। और इसका क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा मोटा क्रिस्टल होता है, इसीलिए ये माल सस्ता होता है, इसीलिए मकराना महंगा होता है। लोगों को मैं बताता हूँ कि सर हमारे पास 75 से स्टार्ट है या 70 से स्टार्ट है, तो लोग बोलते हैं कि 70 से स्टार्ट है इतना महंगा, हमें तो 30 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये में मिल रहा है, 40 रुपये में मिल रहा है मार्केट में। अरे भैया, आपको जो चीज़ मिल रही है एक बार आप जाकर देखो वो चीज़ क्या है, आप किसी जानकार को अपने साथ लेकर जाओ, उसको पहचानो आप वो क्या चीज़ ले रहे हो आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मार्बल खरीदते हो तो प्राइस से कभी मार्बल नहीं खरीदना चाहिए, क्वालिटी से हमेशा मार्बल खरीदे। जैसे कि ये क्वालिटी आप देख रहे हो इसमें और इसमें, रात और दिन का फ़र्क लग रहा है, रात और दिन का। ये तो है श्रीलंका से और ये है इंग्लैंड से ये गोरे और काले का फ़र्क है। अब आपकी चॉइस पे है कि आप क्या चीज़ लगाना चाहते हो। सबसे बड़ा नुकसान इस माल का, इसका क्रिस्टल, आयरन कंटेंट्स, इसका बुढ़ापा जल्दी आता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है, घर को गर्म रखता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। पीला जल्दी हो जाता है, डल जल्दी हो जाता है, पॉलिश अच्छी नहीं आती, पॉलिश तो इस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती क्योंकि इसका क्रिस्टल मोटा है। अब राजनगर का एक मेजर नुकसान, इस माल के ऊपर मेकअप बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हो पाउडर काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है। ये देखिए, बिना पाउडर के ये माल बिकता नहीं है, बिना मेकअप के ये माल बिकता नहीं है। अब इस पर आप देखते हो, आप जब मार्बल परचेस करने जाते हो, अगर राजनगर वाले गोडाउन में आप घुस गए, फैक्ट्री में आप घुस गए, तो वो दुकानदार आपको, ऐसे बहुत कम दुकानदार होते हैं जो अपने माल माल के ऊपर पानी डालकर दिखाते हैं, वो दुकानदार आपको कभी पानी डालकर नहीं दिखाएगा क्योंकि इस पाउडर की वजह से। अगर वो पानी डालकर दिखाएगा तो वो पाउडर सारा, मेकअप सारा उतर जाएगा और उसकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। तो आप लोग जो वाइट देखकर अगर माल खरीदते हो, आप देखते हो कि यार काफ़ी ज़्यादा वाइट है, सस्ते में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी होगी, वो वाइट नहीं होता सर, वो ये मेकअप किया जाता है उसके ऊपर, जिस वजह से वो आपको वाइट दिखता है और वैसे ही आपके साथ चीटिंग होती है। क्योंकि लैक, बुरा मत मानिएगा, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये चीटिंग आपके साथ हो जाती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ कि मार्बल में चीटिंग कैसे होती है, मार्बल की पहचान क्या होती है, कौन सा मार्बल सही रहता है और कौन सा मार्बल सबसे ज़्यादा बेकार रहता है। अब चलते हैं मकराना मार्बल के ऊपर और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसके क्या फ़ायदे हैं और नुकसान, वैसे तो होता नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या नुकसान हो सकता है बता देता हूँ। चलिए, ये है मकराना मार्बल, आप देख रहे हो इसको मैंने पॉलिश भी करवा रखा है। अब जैसा कि राजनगर के पत्थर पे लोग पानी डालकर भी नहीं दिखाना चाहते क्योंकि मेकअप किया हुआ रहता है, उसकी एक्चुअलिटी सामने आ जाती है, ग्रीननेस सामने आ जाती है, कलर उसका सामने आ जाता है, तो हम तो पानी के पॉलिश भी करवा कर दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है हमारी, हमारे बिज़नेस के तरीके की, कि हम तो पॉलिश भी करवा कर दिखाते हैं। तो पाउडर तो होने का सवाल ही नहीं उठ, पाउडर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्चुअल ओरिजिनलिटी है इस पत्थर की। कितनी भी धूप आए, कितनी भी आंधी हो, कितनी भी बारिश हो, कितना भी तूफान हो, इस पत्थर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसकी वाइटनेस, इसकी पॉलिश, इसकी चमक जस की तस रहती है, कभी भी ख़राब नहीं होता। इसका क्रिस्टल आप देख सकते हो, मिनिमम क्रिस्टल मिलेगा आपको, क्रिस्टल दिखाइए भैया, ये देखिए आप, कहीं भी आपको क्रिस्टल नहीं दिखेगा, मिनिमम क्रिस्टल मिलेगा, मिनिमम, ये इसकी पहचान है। जितना बारीक क्रिस्टल होगा उतनी ही अच्छी पॉलिश आती है। अब जैसे काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आगरिया है क्या आपके पास, आगरिया वाइट चाहिए हमें। अरे उन लोगों को पता ही नहीं है कि आगरिया का नुकसान क्या है, आगरिया और राजनगर एक ही चीज़ होती है, आगरिया भी वहीं से ही निकलता है, वो सिर्फ क्वालिटी का, उन्होंने क्वालिटी को डिवाइड कर रखा है। जैसे ये राजनगर है तो इसमें झांझर भी आता है, निझंडा भी आता है, मोरवड़ भी आता है, आगरिया भी आता है, तो ये अलग अलग उन्होंने क्वालिटीज़ बना रखी है। ये सब ठगने के तरीके होते हैं। और जैसे मकराना है तो मकराना के अंदर क्वालिटीज़ होती है सब, अलबेटा, डूंगरी, माताबर, कुमारी। हम जब कस्टमर को दिखाते हैं तो हम ये बोलते हैं सर ये मकराना है, ये भी मकराना है, वो भी मकराना है, वो भी मकराना है, वो भी मकराना है। इसका नाम अलबेटा है, उसका नाम डूंगरी है, उसका नाम कुमारी है, उसका नाम माताबर है।
लेकिन राजनगर का पत्थर दिखाने वाला आपको कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि राजनगर का जो पत्थर होता है कंप्लीट फिलिंग, मतलब 75% फिलिंग किया जाता है और 25% होता है जो फ्रेश होता है, वो फ्रेश तक आप पहुँच नहीं पाते। अब जैसे ये मैं आगरिया का एक सैंपल रख रखा है मैंने अपने पास, ये देखिए ये आगरिया है, ये मकराना अल्बेटा है, वाइटनेस आप देख सकते हो। मैंने आपको मेजरली जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले पत्थर होते हैं, एक तो आगरिया, एक राजनगर का पत्थर और एक मकराना, तीनों में डिफरेंस बता दिए। आगरिया को आप देख सकते हो इतने इतना ज़्यादा ब्राउननेस, ग्रीननेस, मोटे मोटे क्रिस्टल, ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। रूखापन सबसे बड़ी बात, माल में रूखापन काफ़ी ज़्यादा आता है। और जो मकराना का होता है उसमें चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉलिश बिल्कुल कांच की तरह, सूरज भी आपको दिख रहा होगा पॉलिश के अंदर, इतनी ज़बरदस्त पॉलिश आती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है आगरिया का। अब ये आप ये देख लो, ये 15 से 20 दिन से मेरे पास ये सैंपल पड़ा है, अच्छी वाइटनेस थी, कितना पीला सा लगने लग गया है। और इस स्लैब को भी हो गए 15 से 20 दिन आए हुए, लेकिन कोई कोई डिफरेंस नहीं, वैसा का वैसा ही कलर है। और 15 से 20 दिन क्यों, आप 15 से 20 साल लगाए लगा कर रखिए, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर मार्बल आप परचेज़ करते हैं तो आपकी चॉइस है, बाकी हम यही बताना चाहते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है, क्या किसके क्या नुकसान हो सकते हैं और किसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब इसमें तो मकराना के माल में 98% कैल्शियम आता है, कोई नुकसान नहीं है, जॉइंट पेन नहीं होता, हड्डियाँ मजबूत होती है क्योंकि बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, जैसे आयरन के पत्थर से आयरन एब्जॉर्ब करती है ना बॉडी नंगे पैर चलने से, इसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है, कोई नुकसान नहीं है। जवानी बढ़ेगी इसकी भी जवानी बढ़ती है, क्योंकि जितना आप पोछा लगाएंगे उतनी इसके ऊपर चमक आती है, जैसे हमारे दांत है, जितना आप रगड़ते हैं दांत कैल्शियम के बने हुए उतने ही क्लियर होते हैं, क्लीन होते हैं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल 500 साल से लगा हुआ है, आज भी उसकी शाइनिंग बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं होती, वैसे ही मकराना का पत्थर होता है। तो आपको अगर मकराना का माल ख़रीदना है तो आप मेरा नंबर आपको ऊपर डिस्प्ले में मिल जाएगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिना मार्बल आप विज़िट कर सकते हो और हमें कॉल करके व्हाट्सएप पर भी हमसे इसकी इंक्वायरी पूरी ले सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।